जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पर यह चर्चा आगे बढ़ रही है श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कई संशयों का उत्तर प्रदान कर रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के संशय दूर कर रहे हैं और अर्जुन के संशय को दूर करने हेतु वो अपने तर्क भी दे रहे हैं तो तीसरा अध्याय कर्म योग नामक तीसरे अध्याय पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं लाइव चर्चा में तीसरे अध्याय पर चर्चा चल रही है तो तीसरा अध्याय हमें कर्म योग के बारे में समझाता है भगवान कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यही समझाते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है और कर्म योग क्यों अनिवार्य है क्योंकि प्रकृति के द्वारा कर्म करवाया जाता है इसीलिए कर्म योग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्मों का कोई विकल्प नहीं है प्रकृति यह प्रकृति हमें विवश करके हमसे कर्म करवाती है तो कर्मों का कोई विकल्प नजर नहीं आता है कर्म तो करना ही पड़ता है यह सिद्धांत है इसीलिए हे अर्जुन तुझे निष्काम कर्म योग करना ही चाहिए यही श्रेष्ठ है ये सब चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही लेकिन आज का जो हमारा विषय है वह है शास्त्र सम्मत कर्म अगले श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के आठवें श्लोक के अंतर्गत सात श्लोक तक हम देख चुके थे आठवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म तम कर्म हे कर्मण शरीर यात्रा चेना प्रसिद्ध कर्मण तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो सिद्ध नहीं होगा तो अब यहां दो बातें समझने योग्य हैं और जिस पर चर्चा होती है कई बार चर्चा में बहुत संशय भी लोगों को होता है एक तो सबसे प्रथम नियत किया हुआ नियतम शब्द का प्रयोग है जिसका टीकाकार लोग जिसको कहते हैं क्या कहते हैं शास्त्र सम्मत कर्म के लिए यह नियतम शब्द प्रयोग हुआ है नियतम कुरु कर्म कर्म ज्यायो है कर्मण तु शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को कर क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा त्या, क्योंकि शास्त्र कर्म करने की प्रेरणा देते हैं वेद कर्म करने की प्रेरणा देते हैं श्रुतियां भी कर्म करने की प्रेरणा देती हैं इसलिए नियत किए हुए कर्म कर्मों को तुझे करना चाहिए अब वैसे तो नियत शब्द का अर्थ हम यह भी लगा सकते हैं कि निश्चित किए हुए कर्मों को या किस लेकिन निश्चित किया किसने सा अर्थ है कि शास्त्र क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आधारित चर्चा शास्त्र आधारित चर्चा पहले से कर रहे हैं तो शास्त्र सम्मत कर्मों को करना चाहिए शास्त्र से द्वार, के द्वारा नियत या श्रुतियों के द्वारा नियत किए गए कर्मों को करना चाहिए यह कहा जा रहा है जी हाँ हम इसका अर्थ यही समझना चाहिए लेकिन अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है कि शास्त्र सम्मत कर्म क्या है एक तो इसी श्लोक में यह विषय बनता है दूसरा विषय यह बन जाता है इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा कर्म ना करने से ऐसा कैसे भाई शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं कर्म तो व्यवस्था करेगा ही आदमी लेकिन शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा हम इसको भी समझेंगे लेकिन सर्वप्रथम शास्त्र सम्मत कर्म क्या है या शास्त्र द्वारा नियत कर्म हम किसको कह सकते कौन सा कर्म हो सकता है जो शास्त्र द्वारा नियत हो इसको लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं क्यों होती हैं क्योंकि कई बार लोग जो है शास्त्र सम्मत ये कर्म है ये शास्त्र का कर्म है तो ये करना ही चाहिए वह कोई आज्ञा नहीं है परिस्थितियां बदलने से कर्मों की परिभाषाएं तो नहीं बदलेंगी लेकिन कर्मों का स्वरूप जरूर बदलेगा ध्यान रखिएगा तो शास्त्र सम्मत कर्म कहने का तात्पर्य क्या है यह समझना जरूरी है शास्त्र सम्मत कर्म कहने का अर्थ क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है समझ होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यह अच्छे से नहीं समझ में आया तो व्यक्ति कई बार भ्रमित हो सकता है किस अवस्था में क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि श्रीमद् भगवद गीता की यह जब हम शुरू कर रहे थे श्रीमद् श्रीमद्भगवद गीता पर बोलना तो पहले ही मैंने बोला कि गीता के साथ अन्याय होता है अपनी मन मर्जी का लोग अर्थ निकाल लेते हैं और अपने ही मन मर्जी वाला श्लोक चुनेंगे और उसी को सुनाएंगे बाकी सब छोड़ देंगे बाकी चर्चा से उनको कोई लेना देना नहीं है कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा क्या नहीं कहा बाकी को तो वो कल्पना भी बता देंगे कि भाई नहीं ऐसे ही कल्पना था कुछ लोग कह देंगे नहीं महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं था कुछ लोग कुछ बोल देंगे कुछ लोग कुछ बोल देंगे अपने मतलब वाला श्लोक चुन के निकाल लेंगे एक एक श्लोक पर चर्चा करो तो समझें कि बात सही कर रहे हो या कुछ समझना चाहते हो इग्नोर नहीं कर सकते हम तो अब शास्त्र सम्मत कर्म करने का अब वैसे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे गुरु जी लोग हो सकते हैं जो कि आपको गीता का श्लोक सुनाकर शास्त्र सम्मत कर्म सिखा दें लेकिन फिर भी अगर आप अपना व्यक्तिगत अनुसंधान नहीं करोगे बस तो बड़ा समस्या हो जाती है इसलिए अनुसंधान करना और गहराई से अध्ययन करना गहराई से चिंतन मनन करना भी आवश्यक होता है वह भी जरूरी होता है हम बिल्कुल चिंतन मनन ना करें वह भी सही नहीं थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए तो सही चीज हमारे सामने आएगी नहीं तो शास्त्र सम्मत कर्म के नाम पर पता नहीं हम कुछ भी कर जाएंगे अब अर्जुन कह रहा है कि अगर युद्ध होगा युद्ध में लोग मारे जाएंगे स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी वह संतान फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे और फिर जो है पाप भी लगेगा पितामह पर शस्त्र चलाऊंगा जिस गुरु ने धनुष बान पकड़कर चलाना सिखाया उस पर शस्त्र चलाऊंगा तो उसका भी दोष ही तो मुझे लगेगा नरक गामी भी बनूंगा तो क्या यह शास्त्र सम्मत बात अर्जुन नहीं कर रहा क्या जी नहीं यह भी शास्त्र सम्मत कर रहा लेकिन एक तथ्य शास्त्र सम्मत और है जो उससे भी परे है इसीलिए शास्त्र विषय क्या है शास्त्र जो है वह तीन प्रकार का विषय हमारे सामने रखते हैं एक है संसार का विषय एक है जीव का विषय और एक है परमात्मा विषय मतलब कि परमार्थिक विषयों पर चर्चा करता है एक जीव को समझाने की कोशिश करता है श्रुतियां और एक संसार को समझाने की कोशिश करती हैं तो ये तीनों बातों को समझाने का कोशिश श्रुतियों में वेदों में किया गया है संसार को यह संसार क्या है वर्ल्ड क्या है इसमें क्या सिस्टम चल रहा है दूसरा जीव क्या है और जीव के ऊपर परमात्मा क्या है इसी को भगवान ने तीन लोक भी कहा है श्रीमद भगवद गीता में एक जागृत अवस्था है एक स्वप्न अवस्था है और एक तुरिया अवस्था है स्वप्न तो सुषुप्ति से परे तुरिया अवस्था है भगवान कृष्ण तीन लोक की चर्चा यहां पर करते हैं एक तो यह लोक है जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं और एक ब्रह्मा का लोक है और उस वो अव्यक्त लोक है ब्रह्मा का लोक और उस अव्यक्त से भी परे एक परम अव्यक्त है वह जो परम अव्यक्त है वही मेरा परम धाम है ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वह जो परम अव्यक्त है वही मेरा परम धाम है श्री कृष्ण यह भी अर्जुन से कहते हैं तो यह भी हमें विचार ये तीन विषयों को समझाना अब संसार के विषय में क्या कहा गया है जीव के विषय में क्या कहा गया है और उस आत्मा तत्व के विषय में ब्रह्म के विषय में क्या कहा गया है इनको भी हमें अलग अलग समझना चाहिए तो अर्जुन की जितनी भी बातें हैं वो संसार के संदर्भ में है स्वार्थ के संदर्भ में है वहां तक उसकी बात शास्त्र विरुद्ध बात कर रहा है ऐसी बात नहीं है अगर वो यह कह रहा है कि गुरुजनों पर शस्त्र चलाने से मुझे पाप ही लगेगा तो वो गलत नहीं कह रहा अगर वो यह कह रहा है कि युद्ध के बाद बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और मृत्यु होगी स्त्रियां और संतानें उनकी अनाथ हो जाएंगी स्त्रियां फिर आगे जो पीढ़ी बढ़ेगी उसमें वर्ण संकर संतान पैदा होंगे इस तरह की वो गलत नहीं कह रहा और भगवान कृष्ण उसकी इस बात को काट भी नहीं रहे लेकिन अब भगवान उसे प्रकृति सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं कि देख जीव को समझाना शुरू करते हैं संसार की तो बातें उसे पता है संसार की बातें उसे पता है लेकिन जीव और परमात्मा विषय में उसे कोई ज्ञान नहीं है जीव और परमात्मा विषय में उसे कोई ज्ञान ना होने के कारण भगवान उसे वह बात समझा रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है कौन सी घटना घटती है जीवात्मा की गति क्या होती है जीवात्मा की गति क्या होती है क्या गति जीवात्मा लेकर आगे जाएगा और फिर जीवात्मा की गति के बाद परमात्मा क्या है आत्मा क्या है आत्मा का विषय क्या है कैसे आत्मा को समझा जाए जाना जाए ब्रह्म क्या है अर्जुन इन विषयों से अनभिज्ञ है अध्यात्म से अनभिज्ञ है शास्त्रों से वो सांसारिक बातों को ही जानता है तो एक तरफ शास्त्र सम्मत तो यह भी है कि गुरुजनों पर शस्त्र चलाने से गुरुजनों पर शस्त्र चलाने से तो तुम्हें दोष ही लगेगा लेकिन शास्त्र सम्मत यह भी है कि क्षत्रिय है वो और स्वधर्म उसका क्षत्रिय है तो आवश्यक है उसके लिए अति आवश्यक है कि तुम युद्ध करो धर्म रक्षा हेतु युद्ध करना चाहिए अर्जुन को धर्म रक्षा हेतु युद्ध करना चाहिए तुम युद्ध करो यह उपाय भी तो अर्जुन को बताया जा रहा है यह भी तो शास्त्र सम्मति होगा ना कि तू क्षत्रिय है और धर्म की रक्षा है तू समाज की रक्षा है तू युद्ध करना तेरा कर्तव्य भी है और इस समय तेरे सामने धर्म युक्त युद्ध सामने खड़ा है तू तो उस धर्म युद्ध को छोड़कर कुछ और करना चाहता है भिक्षा मांगकर जीवन बिताना चाहता है इतना बड़ा अवसर पुण्य कमाने का तू तो छोड़ना चाहता है स्वर्ग प्राप्ति का सुख का मुक्ति का मोक्ष का तू छोड़ना चाहता है भिक्षा मांग करने की बात करता है ज्ञानियों जैसी बात करता है श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तो शास्त्र सम्मत, किसी भी कर्म में मात्र कहीं पर संस्कृत में कुछ लिख देने से कोई कार्य शास्त्र सम्मत नहीं हो जाएगा या फिर हमें यह जब परिस्थितियां महाभारत जैसी हो जहां पर यह भी चुनाव करना पड़े कि उचित शास्त्र सम्मत कर्म क्या है यह भी शास्त्र सम्मत है यह भी शास्त्र सम्मत है अब शास्त्र सम्मत में से ही चुनाव हमें करना पड़ेगा तो हमें संसार को छोड़कर परमात्मा विषय पर भी चिंतन करना चाहिए सूक्ष्म विषय पर भी चिंतन करना चाहिए और फिर चारों तरफ का माहौल देखकर ही जिसमें सर्व कल्याण छुपा हो जिसमें सिर्फ अपना कल्याण ना छुपा हो सिर्फ अपना पाप पुण्य ना छुपा हो बल्कि स्वार्थ ना हो सर्व कल्याण और जिस कार्य में निष्काम भावना हो उस कर्म को करना सर्वदा ही शास्त्र सम्मत ही होता है सर्वदा शास्त्र सम्मत ही होता है उस कर्म को करना इसलिए शास्त्र सम्मत विषय को लेकर संशयग्रस्त नहीं होना चाहिए कि क्या शास्त्र सम्मत है और क्या शास्त्र सम्मत नहीं है कुछ लिखा हुआ है तो वही शास्त्र सम्मत है ऐसी बात नहीं है श्रुतियों का उपदेश क्या है इस विषय में वो समझना चाहिए हम वैसे तो कोई आजकल लोग शादियां कर लेते हैं आजकल लोग विवाह कर लेते हैं कुछ लोग भाग्य विवाह कर लेते हैं तो वो कह सकते हैं कि कृष्ण ने रुक्मिणी से कैसे विवाह किया था वह भी तो शास्त्र सम्मत है वह भी मैं ही कर लेता हूं जी नहीं परिस्थिति देखनी पड़ेगी देवी रुक्मिणी की परिस्थिति क्या थी उस समय उस माहौल में क्या उचित था देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी उनके पिता भी तैयार थे विवाह कृष्ण से भगवान कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह करवाने के लिए लेकिन उनका भाई तैयार नहीं था क्योंकि भाई का मित्र शिशुपाल था और शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान का परम शत्रु था द्वापर युग में शिशुपाल राक्षसी प्रवृत्ति का था तामसी प्रवृत्ति का था अत्यंत घमंडी अहंकारी और पाप कर्म में लिप्त देवी रुक्मिणी विवाह नहीं करना चाहती थी शिशुपाल से उनका पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण भगवान के प्रति था इसीलिए रत्न की रक्षा के लिए अब यहां पर आपको बात आएगा कि भौमा सुर ने भगवान श्री कृष्ण ने सोलह हजार एक सौ आठ रानियों से विवाह किया अब चर्चा आती है कि नहीं किया ठीक है अरे कितना गंदा सुनने में लगता है ना कि इतनी सारी शादियां कर ली होगी अरे कितना वासनात्मक क्योंकि हम विवाह को वासना से ही जोड़ते हैं सीधा कर्तव्य से नहीं जोड़ते सबका जन्म विवाह से हुआ है सब इस धरती पर आए हैं जो लोग बड़े बड़े ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे हैं वीर रक्षा का उपदेश दे रहे हैं उनका जन्म भी उनके माता पिता के विवाह से ही हुआ है तो विवाह भी एक कर्तव्य बन जाता है किसी परिस्थिति में किसी परिस्थिति में वह भी कर्तव्य बन जाता है तो अब श्री भगवान जब सोलह हजार एक सौ आठ रानियों से विवाह करते हैं तो यह कौन सी बात हो गई कि, कि भाई इतना विवाह कैसे कोई कर सकता है यह सुनने में भी बड़ा विचित्र लगता है लेकिन भौमा ने अनेकों राज्यों की राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था अपहरण कर कर उनको रखा हुआ था जेल के अंदर चुनौती दे रखी थी कोई मुझसे लड़े मुझे पराजित करे कईयों का उसने शोषण भी किया था तो इस तरह से ये घटना चल रही थी श्री भगवान ने देखा कि इतना आतताई राक्षस इस तरह से खुल्लम खुल्ला किए जा रहा है शक्ति प्राप्त थी उसको तपस्या की भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया उसे पराजित किया और कहते कि सोलह हजार राजकुमारियां जब स्वतंत्र होती हैं कहा जाएंगी कौन राजा या कौन राजकुमार कौन उनका पानी ग्रहण करेगा किधर जाएंगी उनके सामने सबसे बड़े वो चाहते कि ठीक है भाई चले जाओ जहां जहां आपको जाना है जहां जहां चले जाओ अपने घर वापस चले जाओ कहां जाते कौन विवाह करता सब दूषित मानते उनको सब उनको दूषित मानते और यदि उनको कोई आधार नहीं मिलता कोई सहारा नहीं मिलता कोई नाम नहीं मिलता तब भी वो व्यर्थ ही इधर उधर भटकती उससे भी उनके कारण समाज में एक दुर्व्यवस्था एक दो तो नहीं थी ना बहुत सारी थी इस सामाजिक समस्या को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि ठीक है अगर यह समस्या है अगर यह समस्या है कि भौमासुर के कैद में उसके द्वारा हरण की हुई जो स्त्रियां जो राजकुमारियां हैं जब वो बाहर निकलती हैं उनके परिवार के द्वारा उनकी स्वीकृति कई की इस कारण से नहीं होती कि इसका विवाह कहां करेंगे हम अब कोई राजा या कोई भी कुलीन परिवार का व्यक्ति भला इनको इनको क्यों ग्रहण करेगा और जहां भी इनकी शादी होगी विवशतावश होगी तो कहीं भी इनको सही से सम्मान प्राप्त नहीं होगा फिर और उसमें हमारा भी सम्मान जाएगा इस तरह का माहौल बन जाएगा फिर क्या करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाज की रक्षा हेतु उस समय कर्तव्य समझकर शास्त्र सम्मत हो जाता ही है बात वह उनका पानी ग्रहण करते हैं तो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखोगे तो किसी भी परिस्थिति में डायलॉग बहुत सारे मारे जा सकते हैं और गीता का श्रीमद भगवत गीता का दुरुपयोग सबसे ज्यादा होता है तो इसीलिए लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण की परिस्थितियां क्या हैं अगर कोई मान लीजिए कोई बहुत कामी कामी प्रवृत्ति का आदमी होगा कामुकता से पूर्ण व्यक्ति होगा तो भी वो अपनी जिंदगी में सोलह हजार रानियों से विवाह तो नहीं करेगा बहुत कामी इंसान होगा तो हो सकता है सौ कर ले हजार कर ले बुढ़ा बुढ़ापे तक विवाह करता रहे तो लेकिन सोलह हजार से युवतियों से या राजकुमारियों से विवाह करने का अर्थ है उनकी रक्षा करना विवाह करने का उद्देश्य मात्र स्त्री पुरुष का मिलन या संघ नहीं होता पत्र रखना पति भी पत्नी के का पत्र रखता है पत्नी भी पति का पत्र दोनों एक दूसरे की रक्षा करें जैसे सावित्री ने सत्यवान की भी रक्षा कर ली तो इसीलिए शास्त्र सम्मत कर्म कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि हमने एक लाइन में सुना दिया कि यह शास्त्र सम्मत कर्म है जी नहीं विवेक से समझदारी से और शास्त्रों के मत को समझकर सही पूर्वक जो न्याय किया गया हो जो न्याय उचित हो वह कर्म करना शास्त्र सम्मत कर्म है और इसी न्याय के लिए ऋषि गौतम ने न्याय शास्त्र लिखा वैदिक दर्शन के अंतर्गत आता है वैदिक शास्त्र के अंतर्गत आता है न्याय शास्त्र प्रमा प्रमाण प्रमेय क्या है कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं कितने प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं कितने प्रकार के अनुमान होते हैं तर्क देने के कितने, देने के कितने तरीके होते हैं तर्क देने के कितने तरीके होते हैं जाति तर्क होता है छदम तर्क होता है दुष्ट तर्क भी होता है जानबूझकर चीजों को बदलने के लिए मैनुपुलेट करने के लिए तक इन सभी प्रकार के तर्कों का वर्णन न्याय शास्त्र में मिलता है तो न्याय शास्त्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी अब आपको समझ में आएगा न्याय एक तर्कशास्त्र है न्याय प्रको प्रमाण शास्त्र भी बोलते हैं न्याय को वाद विवाद शास्त्र भी बोलते हैं कि यह वाद विवाद शास्त्र है क्यों बोलते हैं ताकि सही कंक्लूजन पर आप पहुंच सकें और सही निर्णय ले सके बिना न्याय के नहीं तो भगवद गीता में सांख्य भी है भगवद गीता में योग भी है भगवद गीता में मीमांसा भी है कर्म सिद्धांत समझाया जा रहा है तो भगवद गीता में न्याय भी है न्याय दर्शन का भी उचित समावेश मिलेगा तो सभी छह दर्शन आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएंगे और अंत में हम एक कंक्लूजन देंगे उसे बताएंगे कि कैसे षड दर्शन का समावेश एक ग्रंथ के अंदर है और वो है श्रीकृष्ण की वाची हुई श्रीमद गीता। तर्कों के बीच में कृष्ण न्याय कर रहे हैं अर्जुन के साथ अर्जुन न्याय नहीं कर पा रहा अर्जुन अपने पाप पुण्य के बारे में सोच रहा है वो संपूर्ण समाज के बारे में नहीं सोच रहा वह कह रहा है स्त्रियां संताने वर्ण संकर होंगी तो वर्ण संकर क्या भाई तुम युद्ध छोड़ दोगे तो क्या नहीं होंगी क्योंकि तो दुर्योधन तो युद्ध करेगा करेगा समस्या तो वही तुम्हारी बनी रहेगी इसीलिए समाज में समाज की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन तेरे पास एक ही विकल्प है कि तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो शास्त्र सम्मत विचार करने का मतलब यह नहीं होता है मैं देखता हूं क्योंकि तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कोई मंत्र पढ़ के सुना देंगे बोलेंगे शास्त्र में लिखा है तो ऐसे करना चाहिए नहीं पूजा पाठ को भी लेकर लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि भाई यजमान तुमको पूजा करवाना है तो ये लाना है वो लाना है बहुत सारी चीजें ठीक है करना चाहिए पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जितना अच्छे से हो पाए उतना बेहतर तरीके से ही करना चाहिए मैं भी इसी बात का समर्थन करता हूं लेकिन अगर कोई निर्धन है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता पूजा करने का होता है वह जल मात्र से ही पूजा कर सकता है सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था अपनी पत्नी से कहा कि कुछ भी हो तो दो भगवान को भोग तो लगाएं तो एक चावल का दाना मिला उसी का दो टुकड़े कर कर उन्होंने भोग लगा दिया पूजा कर ली ये प्रचार मत करो कि धन होगा तभी धर्म होगा जी नहीं तो जो भी है आप हर हमारे शास्त्रों ने भरमाया नहीं भ्रमित नहीं किया है हाँ बाद में लोग भ्रमित कर देते हैं वो एक अलग बात है वो एक अलग विषय है तो शास्त्र सम्मत कर्म करना यह जरूरी है लेकिन उसमें न्याय उचित शास्त्र सम्मत कर्म होगा उसमें भी न्याय करना पड़ता है इसलिए न्याय शास्त्र की रचना इसीलिए की गई महर्षि गौतम अक्षपाद गौतम ने न्याय शास्त्र क्यों दिया इसी कारण से दिया क्योंकि तो लोग अपनी मनमर्जी का अर्थ निकालते हैं और थोपने थापने की कोशिश करते हैं मैनिपुलेट करते हैं चीजों को एक ही विषय को अनेक ढंग से कही कहा जा सकता है घूस लेना देना मना है घूस ले ना देना मना है उन्हीं शब्दों में नया सेंटेंस बन गया अर्थ बदल गया उन्हीं शब्दों का अर्थ बदल गया तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं तो इसीलिए न्याय शास्त्र क्यों लिखा क्यों महर्षि पतंजलि ने वाद विवाद के सोलह पदार्थ बताए हैं सोलह तत्व बताए वाद विवाद के सोलह पदार्थों की चर्चा न्याय शास्त्र में आती है न्याय शास्त्र में प्रमाणों की व्यवस्था आती है क्यों दिया गया ताकि आप कोई भी निर्णय लें किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचे तो सोच शास्त्र सम्मत विचार में भी न्याय करना सीखिए न्याय उचित होना चाहिए शास्त्र सम्मत कोई भी विषय शास्त्र सम्मत तभी होगा जब वह न्याय उचित होगा ये नहीं कि कृष्ण ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा राम ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा नहीं आपके समय के हिसाब से आपको अपना अपने आप को राम बनाना पड़ेगा ठीक है आपको अपने समय का कृष्ण बनना पड़ेगा आपको अपने समय का अर्जुन भी बनना पड़ेगा अर्जुन वो जो समझ गया जो जागृत हो गया जो जिसकी अवेकनिंग हो गई यह नहीं कि ऐसा किया गया था तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो शास्त्र सम्मत हो गया जी नहीं इसीलिए लोग बहुत ठगते हैं शास्त्रों के नाम पर इसीलिए मैं बार बार जोर देकर कहता हूं कि ये जो भारतीय दर्शन है ना जो सिक्स फिलॉसफी है राइट टू अंडरस्टैंड इसको समझिए क्योंकि ये, ये शास्त्रों की रचना तर्क वितर्क निचोड़ निकाल निकाल कर चीजों को सामने रखा गया है इसको समझना बहुत जरूरी होता है इसीलिए न्याय शास्त्र की रचना हुई ताकि आप चीजों के साथ न्याय कर सको तर्कों के साथ न्याय कर सको विचारों के साथ न्याय कर सको और अर्जुन न्याय नहीं कर पा रहा ये ये जो नियत किए हुए कर्मों को तुझे करना चाहिए और इस समय तू एक क्षत्रिय होने के कारण समाज के प्रति जो कर्तव्य है वो ज्यादा बड़ा कर्तव्य है तेरे परिवार से ज्यादा तेरे कुटुंब से ज्यादा महत्व तो इस समाज का है इस राष्ट्र का है और इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए और उन राज्य समाज और राष्ट्र से भी बढ़कर धर्म है तो धर्म के लिए तुझे युद्ध करना चाहिए धर्म रक्षार्थ युद्ध करना तेरा कर्तव्य है क्योंकि तू क्षत्रिय है धर्म को छत्र प्रदान करना तेरा कर्तव्य है इसलिए हे अर्जुन तनिक भी इसमें संशयग्रस्त मत रहा कि तुझे युद्ध नहीं करना चाहिए तुझे कोई पाप लगेगा नहीं करेगा तो भयंकर पाप जरूर लगेगा तेरी चारों तरफ पूरे विश्व में अपकीर्ति युगो युगों तक होगी अपयश होगा तेरा तो यह समय यह बात हमें गहराई से समझ लेने की आवश्यकता है तो यह बात समझ में आता है कि शास्त्र सम्मत ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा शास्त्र सम्मत कर्म किसे कहेंगे कोई किताब उठाकर लाएगा देखो यहां पर यह लिखा है तो हम यही करेंगे लोग अपना अर्थ निकालना जानते हैं लोग अपना अर्थ निकालना जानते हैं समस्या यहां पर है इसीलिए शास्त्र सम्मत क्या है उस शास्त्र विचार में न्याय होना चाहिए और न्याय करने के लिए इसलिए न्याय शास्त्र की रचना की हुई तर्कशास्त्र क्या चीज है न्याय शास्त्र को तर्कशास्त्र भी कहते हैं प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं है, वाद विवाद शास्त्र भी कहते हैं डिबेट डिबेट सिस्टम को वो उसने डेवलप किया जस्टिस जज अच्छे से डिबेट करना उल्टा सीधा कहीं भी कोई तर्क मार दिया नहीं वैसा डिबेट नहीं एक जेन्युइन डिबेट होना चाहिए एक मैच्योर डिबेट होना चाहिए वो मीडिया वाले जैसा टीआरपी बढ़ाने के लिए लड़वाते हैं वैसा डिबेट नहीं ठीक ना? तो वो डिबेट से कुछ निकलता भी नहीं हाँ, टीआरपी बढ़ती है चैनल फेमस होता है वो हल्ला होता है तो लोग देखते अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या ये हालत है टीवी चैनल्स न्यूज चैनल का डिबेट करवाने के पीछे किसी कंक्लूजन पे पहुंचना वो कंक्लूजन पे पहले ही पहुंचे होते हैं मीडिया वाले को जिस टॉपिक को ऊपर उठाना होता है वो पहले उसको वही ऊपर उठाना है चाहे वो जितना भी डिबेट करवा ले जनता सोचती है कि चलो भाई इस विषय पर चर्चा हो रही है देखते हैं कौन क्या बोलता है अरे किसी को कोई बोलने वाला है वो एंकर पहले से फिक्स करके रखता है तो ये कोई न्याय उचित डिबेट नहीं होता लेकिन हमें अगर अपने जीवन में यदि हमें अपने जीवन में अपने कर्मों के साथ अपने लाइफ के साथ अगर न्याय करना है सही कर्म हमें चुनना है कि हमें कौन सा कर्म शास्त्र सम्मत हम समझें तो उसको भली भांति हमें देखना चाहिए समझना चाहिए और उस कर्म को न्याय उचित जहां तक संभव हो सके वहां तक हमें न्याय उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए हाँ ठीक है हंड्रेड परसेंट परफेक्ट कोई हो जाएगा यह भी नहीं कहा जा सकता लेकिन यथासंभव जहां तक हो सके न्याय उचित कर्म करना चाहिए तो यह न्याय उचित कर्म ही न्यायोचित न्यायोचित कर्म जो न्याय से उचित किया गया हो कंक्लूड किया गया हो वह कर्म करना चाहिए तो भगवान क्या कर रहे हैं अर्जुन को कंक्लूजन ही तो दे रहे ना समझा ही तो रहे कि भाई यह परिस्थिति है और इस परिस्थिति के कारण तुझे युद्ध तो करना ही चाहिए ये तेरा कर्तव्य है ड्यूटी बन रहा है तेरा इस समय इससे तू पीछे मत भाग दूसरा कि अगर तू कर्म नहीं करता है तो तेरा यह शरीर धारण करने का भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होता क्योंकि यह देह मिला ही कर्म हेतु है कर्म करने हेतु ही है देह की प्राप्ति ही कर्म करने हेतु होती है कर्म ना करने से अकर्मण ते शरीर यात्रा अपी ना प्रसिद्धे प्रसिद्ध कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता और नहीं होगा क्यों देह लेकर आया है बेकार में प्रकृति तो तुझसे कर्म करवाएगी इसलिए इसलिए तो बेहतर है ना तू संकल्पवान बन जा और संकल्पवान बनकर तू कर्म कर वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा तेरे लिए तो इसीलिए संकल्पवान बनकर कर्म करना चाहिए संकल्प लो शुभ संकल्प लो कर्म करने का शुभ संकल्प धारण करो यह जरूरी है शुभ संकल्प लोगे तभी कर्म सही ढंग से कर पाओगे ठीक हमें विचार करना चाहिए कर्म पर संकल्प पर ठीक है तो यह सब विषय है शरीर का उद्देश्य ही क्या है कर्म करना उद्देश्य तो संकल्पवान प्रकृति तो जबरदस्ती कुछ लोग ज्योतिष ठीक है ज्योतिष गलत नहीं है लेकिन ज्योतिष से आप ग्रहण क्या करते हैं कुछ लोग ग्रहों से ही भयभीत रहते हैं या ग्रहों के चक्कर में रहते हैं ग्रह ऐसे कर रहे हैं तो हमें जो है ऐसे करना है जो तो लेकिन ऐसा ना हो कि ग्रहों को सेट करने में जो जरूरी जो करने योग्य पुण्य कर्म है वो भी आपसे छूट जाए ना मान लो कि ग्रह दिखा रहा है कि युद्ध अभी लड़ाई में जाओगे तो मारे जाओगे तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है और युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है कर्तव्य है एक सैनिक का उस सैनिक ग्रह देख लेगा अपना अरे ये तो खराब ग्रह चल रहा है अभी युद्ध करने जाऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी अरे बढ़िया है तुम तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे उस समय के लिए मैं जानता हूं यह बहुत कठिन है अर्जुन के लिए भी बहुत कठिन है लेकिन कृष्ण कह रहे हैं इसी में तेरा कल्याण है इस युद्ध में ही तेरा कल्याण है कृष्ण अर्जुन को फिर कोई ज्योतिष ज्ञान नहीं दे रहे हैं क्योंकि तो जहां कर्तव्य है वह निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए चाहे सफलता मिले विफलता मिले सिद्धि मिले असिद्धि मिले सच पूछो तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं खुद हम जीवन में कितना परसेंट कर पाए निष्काम भावना से लेकिन कोशिश तो हमें करना ही चाहिए प्रयासरत तो हमें रहना ही चाहिए ठीक तो सारी बातों को अच्छे से हमें समझकर कर्म करना चाहिए और योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए ठीक है तो कृष्ण न्याय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरीर मिलने का भी क्या अर्थ रह गया जब तूने अपने कर्तव्यों की ही पालना नहीं की कर्म ही जब तूने नहीं किया शुभ कर्म मिलकर भी तू नहीं कर पाया शरीर का ही क्या उद्देश्य प्रकृति ने शरीर दिया ही है कर्म करने के लिए और तू कर्म ही नहीं करेगा तो फिर लाभ ही क्या तो इन सभी विषयों पर हमें चिंतन मनन कर कर सभी विषयों को सही ढंग से हम समझ लें तो निश्चय ही हमारा कल्याण है और श्रीमद भगवद गीता से हम भी अपने जीवन में बातों को समझकर बहुत कुछ कर पाएंगे तो कर्म करना है और सबसे बड़ा कर्म आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना है भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि तू आत्मा को केंद्र मानकर अपना कर्म कर निष्काम भावना से तभी कर पाएगा एक आत्मज्ञानी स्वतः ही निष्काम हो जाता है निष्काम होना देखिए सरल नहीं है सौ प्रतिशत कोई निष्काम भावना से कर्म करे यह साधारण मनुष्य के लिए निश्चय ही कठिन है अर्जुन के लिए भी कठिन है लेकिन ष्ण एक और उपाय बता देते हैं कि जो योगी हैं, जो ध्यान योगी सांख्य योगी हैं, वह अपनी योग साधना को करते करते स्वतः ही निष्काम हो जाते हैं, स्वभाव से ही निष्काम हो जाते हैं तो उस ओर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसी के लिए ध्यान योग का यह कोर्स ध्यान योग का यह कोर्स चलता है जो कि दो दिन बाकी है बीस तारीख में बीस तारीख को शुरू हो जाएगा जी ठीक है बीस तारीख को शुरू हो जाएगा साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा आप करना चाहते हैं जानिए अपनी आत्मा को जिस दिन आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं स्वयं को जान जाते हैं ध्यान योग की गहराई में आप उतर जाते हैं तो फिर स्वतः ही निष्काम हो जाएंगे स्वतः निष्काम कर्मयोग शुरू हो जाएगा तो हमें यह सारी बातों पर विचार करना चाहिए और विचार करके चिंतन कर कर हमें अनुसरण करना चाहिए यथा संभव हो सके तो ध्यान युग हमें निश्चय ही निष्कामता की ओर ले जाता है ज्ञान की ओर ले जाता है तो हम इसको कर कर निश्चय ही लाभ उठाएं और आनंद तो ध्यान में ही है ना देखिए ध्यान मात्र आप आत्मा को जानेंगे परमात्मा को जानेंगे यह तो है ही लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ध्यान करने से आप अपने भीतर का संतुलन स्थापित कर पाएंगे इमोशनल बैलेंस इंटेलेक्चुअल बैलेंस और विचारों में संतुलन ये सारी चीजें भी आपको प्राप्त होती है हार्मोनल बैलेंस भी आता है मेडिटेशन करने से ध्यान अगर सही तरीके से हमें मिल जाए तो यह हमें निश्चय ही विचार करना चाहिए और विचार करके आगे बढ़ना चाहिए तो चलिए जरूर ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है और नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए लाभ उठाइए फिर आप हो सकता है कि एक डेढ़ महीने बाद और संभवतः अगले महीने में ध्यान योग का कोर्स ना लॉन्च हो ऑनलाइन वाला ऑफलाइन कहीं हो सकता है लेकिन ऑनलाइन वाला ना हो तो यह भी हम विचार कर कर समझें और लाभ उठा ले समय के साथ तो अच्छा ही रहेगा जितना जल्दी जागोगे उतना बढ़िया है तो आइए विराम देते हैं अभी कल फिर मिलेंगे हम ना, नाइन पी एम लाइव चर्चा पर जुड़े रहें बने रहें लाइव उठाते रहें आप लाइक कमेंट जरूर कर दें यूट्यूब वीडियो को क्योंकि तभी आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा कि हाँ वीडियो कब अपलोड हो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ लाइव और कमेंट भी करें सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब तो अवश्य करें सब्सक्राइब करने के साथ आप लाइव लाइक और कमेंट भी कर दिया करें इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 पीएम लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का